चलिए, तो अभी तक जो बात की है वो हमने बात किया है हुम तक है रिलेटिव प्रोनाउन में। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हो गया, तुमको लिखाया था हु, हुज, एंड और विच, दैट, व्हाट हो गया है, व्हाट विच दैट होगा ना, ये सब होगा ना। ठीक, चलिए तो आदर हुज का प्रयोग कहाँ करते हैं, हुज का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा हुज का जो प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे पजेशन के लिए, अधिकार के लिए। यानी जब पजेशन की बात आएगी, जब अधिकार की बात आएगी, तब हम हुज का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसके अलावा याद रखिएगा हुज के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा, हुज के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा। अब याद रखना, जब नाउन आएगा तो बोलो, जब नाउन आएगा तो क्या बन जाएगा भैया, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो याद रखना ये प्योर आपका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, प्योर आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो ये होता क्या है आपका रिलेटिव, मतलब क्या नाम है आपका, ये होता क्या एडजेक्टिव, ये आपका जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे हमने कहा आई सा द मैन, आई सा द मैन हुज बाइक कमिंग, हुज बाइक वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। आई सा द मैन हुज बाइक वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब मैंने उस आदमी को देखा जिसकी बाइक क्या थी, बेकार थी, खराब थी। तो जरा एक चीज जानने का प्रयास करिएगा कि जो हुज है इसके बाद देखो नाउन आ रहा है, जो नाउन आ रहा है तो नाउन के पहले जो रहे वो एडजेक्टिव। इसके अलावा जो है हुज आपका क्या है, दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम कर रहा है, तो जोड़ने का भी काम कर रहा है, तो इसलिए इसको मतलब बोल देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन। बताया था जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वही आपका रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है। इसके अलावा बट याद रखिएगा प्योर नहीं है ये रिलेटिव प्रोनाउन, ना ही रिलेटिव कंजंक्शन है प्योर, प्योर ये है क्या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में। ठीक, इस तरीके से मतलब पूछ कर इस तरीके से प्रयोग करते हैं जहाँ पजेशन की बात है, जहाँ पर अधिकार की बात है, तो उस केस में जो है हम क्या लगाएंगे पूछ लगाएंगे। अगर इतनी बात क्लियर है तो इतना लिख लिया, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार जो विच है उसे कहाँ प्रयोग करते हैं। विच याद रखिएगा विच के दो काम हैं, एक तो और विच के दो नहीं, इस जो है तीन तरीके से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। विच को एक तो प्रयोग कर सकते हैं आप इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एक तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, यानी ये आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी बन सकता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी बन सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन बन सकता है, तीनों चीजें बन सकता है। इसके अलावा याद रखिएगा जब ये बनेगा तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन, तो याद रखना इसका जो इस्तेमाल होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए होगा। याद रखिएगा जब इसका इस्तेमाल होगा प्रोनाउन के रूप में, तो ये जो होगा सिर्फ और सिर्फ मतलब
सॉरी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ना, जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होगा। लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए होगा। इसके अलावा जब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में होगा तो भी ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होगा। बस जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो सिर्फ नॉन लिविंग के लिए काम करेगा। ठीक, कैसे होगा वो देख लो एग्जांपल। हमने कहा दिस इज द पेन, दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। तो यहां पर जो आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, पेन के लिए आ रहा है। ठीक, पेन के लिए आया है यानी थिंक के लिए आया है। ठीक, इसके अलावा बताया था तुमको डेफिनेट आर्टिकल होना ही चाहिए, बताया था जितने रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनके पहले जो नाम होता है वो डेफिनेट होना चाहिए। ठीक, तो दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, तो विच जो है ये किसके लिए आया, थिंग्स के लिए आया और नॉन लिविंग के लिए आया। ठीक, अगर यहाँ कोई लिविंग होता तो क्या आता, यहाँ क्या आता, तो उस केस में यहाँ पर अगर कोई लिविंग होता तो याद रखेगा यहाँ पर जो आता वो होम आता, हो नहीं आता, हो भी आता है लेकिन लिविंग के लिए। वो कहाँ आएगा, जब उसी काम किसी काम को वो ही कर रहा हो तब तब आएगा वो। yes. जैसे अगर देखना चाहो तो मैं लाइव चेक दिखा दूं, ये तो यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो होम ही आएगा, क्यों, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, ये वही आदमी है जिसको मैंने मार्केट में देखा था। तो जिसको मैंने मार्केट में देखा था तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो यहाँ पर होम आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो होम आएगा, होम और आई सा इन द मार्केट। इस तरीके से। इसके अलावा हो कैसे आएगा, दिस इज द मैन हु स्टोल द पर्स, ये वही आदमी जिसने पर्स चुराया था। जरा देखो हु ऐसा आएगा, समझ पा रहे हो। इसके अलावा एक चीज और जान लीजिएगा, हु की पूरी फैमिली होती है, जैसे आपका चलता है ना आई मी माय, माय करके चलता है ना, ऐसे ही तुम्हारा हु का भी चलता है। हु जो होता है याद रखना, हु के अपने दो पार्ट और होते हैं, हुम और हुज। तो याद रखिएगा हु जो है आपका ये प्रयोग होता है सब्जेक्टिव केस के रूप में, सब्जेक्टिव केस के रूप में, जहां सब्जेक्टिव केस की बात आएगी वहां पर क्या आएगा, हुआ आएगा। जरा देखो ये सब्जेक्टिव बन रहा है इस वर्ब का, तो सब्जेक्टिव केस के लिए प्रयोग हुआ। जब ऑब्जेक्टिव केस की बात आएगी तो हुम का प्रयोग करेंगे, जब ऑब्जेक्टिव केस की बात आएगी तो हुम का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की बात आई तो हुम लगा दिया। और जब पजेसिव की बात आएगी, अधिकार की बात आएगी, पजेसिव केस की बात आएगी तो हम फिर हुज का प्रयोग करेंगे, जैसे कि इससे पहले हमने किया था। अरे किया था कि नहीं किया था, जब पजेसिव केस की बात आएगी तो हुज का प्रयोग करेंगे। तो यानी इसकी अपनी पूरी फैमिली होती है, हु सब्जेक्टिव केस होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है और हुज आपका पजेसिव केस होता है। इसमें भी तीन केस होते हैं हु के अपने। ठीक, तो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। चले फिर बात कर रहे थे विच की, तो विच हमने बताया एक तो विच नॉन लिविंग के लिए आएगा जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा, लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो लिविंग के लिए भी आ सकता है, नॉन लिविंग के लिए भी आ सकता है। ठीक, जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा, जैसे विच ऑफ यू, विच ऑफ यू इज हैप्पी,
विच ऑफ यू इज हैप्पी, मतलब तुम में से कौन खुश है, ठीक है। विच ऑफ यू तुम में से, यानी जब चॉइस की बात हो, यानी ये जो है आपके जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा तो याद रखना ये सेलेक्शन के रूप में आएगा, सेलेक्शन सेलेक्शन के रूप में आएगा, चॉइस के रूप में, यानी जहां सेलेक्शन और चॉइस की बात होगी। पारे यहाँ पर चले, विच ऑफ यू तुम में से इज हैप्पी, कौन मतलब खुश है, तुम में से कौन खुश है, ठीक है। विच ऑफ यू इज हैप्पी, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर आप आर भी लगाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, दोनों राइट हो जाएगा, बट हिंदी में मीनिंग बदल जाएगा। विच ऑफ यू बोला इज हैप्पी तो तुम में से कौन खुश है, और विच ऑफ यू बोला आर हैप्पी तो तुम में से कौन कौन खुश है, समझ पा रहे हैं। इसके अलावा देखो थिंग्स के लिए कैसा आएगा, विच ऑफ टू बुक्स, विच ऑफ टू बुक्स इज बेटर, विच ऑफ टू बुक्स इज बेटर, मतलब इन दो किताबों में से कौन सी बेटर है, जो अच्छी है, ठीक। तो विच ऑफ टू बुक्स इज बेटर, तो नॉन लिविंग के लिए भी आ गया, ठीक। इसके अलावा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में देखें, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में कैसे काम करेगा। अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो ये आपको पता होना चाहिए, जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं जब वो एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं तो उनके जज्बात क्या आता है, क्या आता है, नाउन आता है। बिना नाउन का एडजेक्टिव कैसे बन जाएगा, नाउन के बारे जो रहेगा वो एडजेक्टिव। तो जब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो अपने मतलब जो अपने पहले है वो मतलब हाँ मतलब बाद में अपने जस्ट बाद नाउन को लेकर चलेगा। जैसे विच पेन डू यू लाइक, विच पेन डू यू लाइक, तो जरा देखो पेन है और विच है, तो पेन के पहले जो रहेगा वो एडजेक्टिव है, विच है, विच क्या है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, किसके लिए प्रयोग हुआ, नॉन लिविंग के लिए। लिविंग के लिए कैसे होगा, विच एक्टर डू यू लाइक, तुमको कौन सा एक्टर पसंद है, विच एक्टर डू यू लाइक, जरा देखो लिविंग के लिए भी हुआ कि नहीं हुआ, बोला ना। तो इस तरीके से जो है प्रयोग करते हैं विच का, देखा विच का प्रयोग तीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में भी हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होगा, और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वही रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है, चार में हो गया फिर, और यही आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी बन जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट सेलेक्शन और चॉइस, कोई डाउट किसी को, क्वेश्चन बात बहुत अंदर की है, बिल्कुल बारीकी से समझना, एक भी चीज मिस हुआ गोल हो जाएगा। तो जब थिंग की बात आएगी तो विच लगाएंगे, व्यक्ति की बात आएगी तो हुम भी लगा सकते हैं, हु भी लगा सकते हैं, ठीक, और हुज भी लगा सकते हैं, ठीक, यानी हुम भी लगा सकते हैं, हु भी लगा सकते हैं, हुज भी लगा सकते हैं, तीनों कोई सा भी लगा सकते हैं। तुमको भी हुम का तो देख लिया, हु का भी देख लिया, एक हुज का भी दिखा दो तो कुछ और तसल्ली मिल जाए, है थोड़ा सी और राहत मिल जाएगी। तो देख लो इसका एग्जाम्पल हुज का, जैसे हमने कहा, लो यहीं पर लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल सारे राइट हैं, एक भी गलत नहीं है। हमने कहा नंबर दे दे इसको 8, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, दिस इज द बॉय हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो जरा देखो पर्सन के लिए लिविंग के लिए हुज भी आ गया, होम भी आ गया, हु भी आ गया, बट यू नीड टू चेक वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस।
ये चीज आपको चेक करना है कि हम सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं या फिर पजेसिव केस की बात कर रहे हैं। अगर सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं तो हुआ आएगा, यानी वो ही उस काम को कर रहा है, ठीक, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ठीक है। और उसके किसी उसी व्यक्ति के पजेशन की बात हो रही है तो फिर हो जाता है, इसलिए हु का राज ये है, हु सब्जेक्टिव केस, हु ऑब्जेक्टिव केस और हु पजेसिव केस, ये बहुत कुछ है याद रखने के बाद, ठीक है। अच्छा अच्छा जब आप बढ़ती बात क्या है, वो क्या है, वो क्या है, कहाँ का प्रयोग हो जाता है, क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है, कब हो जाता है, ऐसे होता है सारा कुछ। आप भी कोई डाउट है तो पूछो, इसके बाद भी क्लियर ना हो तो बोल देना, वीडियो भेज देंगे, लिख भेज देंगे, दो बार देखना, तीन बार देखना, जब तक क्लियर ना तब तक देखना। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो लिख लीजिए, उसका राय होता है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, तो आपने जाना कि विच का प्रयोग और हु का प्रयोग, हु का हु का इस तरीके से और हम कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसके अलावा हम जानने का प्रयास करेंगे कि दैट और व्हाट कहाँ कहाँ हम लगाते हैं। हालांकि कुछ मैं दैट और व्हाट आपको बता चुका हूँ, उसके बाद फिर से रिमाइंड करा दूंगा that or what कहाँ कहाँ आ सकता है। मान लीजिएगा that की बात करें, that that की बात करने लगे हम तो that आपका बन जाता है क्या, demonstrative pronoun, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको दिस दैट दिस दो याद आ रहा हो तो ये आपका बन जाता है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये भी आपको मैंने उसी में पढ़ा दिया था, अभी उसी में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दिया था, वैसे याद आ रहा होगा डेमोंस्ट्रेटिव उसमें प्रोनाउन में, याद आ रहा कि नहीं, ना आ रहा तो कर्म सुधार लो, रिविजन मारो बार बार। इसके अलावा इसका हम प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। जब डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा तो इसका मतलब होगा वह, ठीक, और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होगा तब भी इसका मतलब वह ही होगा, ठीक, और जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा तो इसका मतलब होगा जो, ठीक। अब जरा देखिएगा, अगर जो की इंग्लिश आप लगाने लगे हैं तो कितने सारे हो जाएंगे, दैट का मतलब भी जो होता है, विच का मतलब भी जो होता है, वो का मतलब भी जो होता है, व्हाट का मतलब भी जो होता है, लेकिन सबका यूज तो अलग अलग है, जो तो है, अब जो तो सो तो बात है ही है, अब प्रयोग कैसे होता है ये तो समझने की बात है। चलिए इसके अलावा व्हाट, व्हाट, व्हाट के भी तीन यूज हैं। ये भी आपका क्या है, ये जो प्रयोग होता है, एक तो तुम्हारा होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एक तो होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, ठीक। इसके अलावा यही तुम्हारा प्रयोग होगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में होगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा इसका मतलब होगा क्या, जब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा तो इसका मतलब होगा कौन सा या कौन सी। याद रखिएगा व्हाट इज इक्वल टू इस केस में विच होता है, यहां पर आप इनकी जगह, यहां इसकी जगह इंटरोगेटिव विच भी लगाना चाहे तो भी राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब प्रयोग होगा तो भैया फिर तो जो ही होगा,
जो है सो है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो, हाँ इसके अलावा एक चीज और जान लो, दैट का जो प्रयोग करते हैं वो हम, और व्हाट का जो प्रयोग करते हैं, दैट का और व्हाट का जो हम प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए, लिविंग के लिए भी आ जाएगा और नॉन लिविंग के लिए भी आ जाएगा, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए आ सकता है, ठीक। एग्जाम्पल देख लो, मैंने कहा दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन, बैग पेन है, दैट इज अ पेन। तो एक बार बताइएगा ये डेमोंस्ट्रेटिव हो गया कि नहीं हो गया, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया कि नहीं, पहचान पा रहे कैसे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि ये इशारा कर रहा है किसी चीज के ऊपर, जब संकेत होता है उसी को तो डेमोंस्ट्रेटिव कहते हैं, संकेत वाचक, संकेत करते हैं। तो इसके अलावा हमने कहा दैट पेन इज माइन, दैट पेन इज माइन, दैट यहाँ किसका काम कर रहा है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भाई, क्योंकि नाम के बारे जो रहे वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसके अलावा हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे काम करेगा, दिस इज द काउ, दिस इज द काउ दैट आई बॉट, ये वही काउ है जिसको मैंने खरीदा था, दिस इज द काउ दैट आई बॉट। कि क्या सर यहाँ हु लगाना अच्छा रहेगा, ना जानवरों के लिए याद रखना, दैट का प्रयोग जब लिविंग के रूप में होगा तो मोस्टली किसके लिए होगा, जानवरों के लिए, जानवरों के लिए इस्तेमाल करना, ठीक, जानवरों के लिए मोस्टली, ऐसा नहीं कि पर्सन के लिए नहीं आ सकता, आ सकता है, बट मोस्टली किसके लिए होगा, जानवरों के लिए। वर्ड का जो इस्तेमाल होगा याद रखना, जहां पर बात होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जहां पर भाव होगा, भाववाचक होगा, ठीक, भाव होगा, जहां पर भाव की बात हो, कैसे, दिस इज द काउ दैट आई बॉट, और देखो एग्जांपल, आई डू नॉट नो व्हाट यू से, आई डू नॉट नो व्हाट यू से, मैं नहीं जानता जो तुम कहते हो, या आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता जो तुम कहते हो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, ये लो तो साफ नहीं दिखेगा तुमको, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, मैं नहीं समझता जो तुम कहते हो। तो यहां पर व्हाट का मतलब क्या है, जो, ठीक, वो तो दूत लिख दिया था रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, ठीक। तो किस रूप में प्रयोग किया पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे होगा, व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, और इसकी भी बात, इसके लिए मैंने बताया था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में जब ये काम करेगा तो क्या कंडीशन होगी, व्हाट कैसे प्रयोग किया जाएगा, बता सकते हो क्या, बता सकते हो, है याद आ रहा है दिमाग में, ना आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सब कई बार बता चुका हूं, जब भी डब्ल्यू एच वर्ड, ये डब्ल्यू एच वर्ड का मैं फंडा ही बता चुका हूं तुम्हें, मैंने बताया था डब्ल्यू एच जो वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड जो है ये तीन तरीके से काम करता है, याद रखना, अगर इसके बाद जस्ट बाद आ रहा है कोई वर्ब तो ये होगा तुम्हारा क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, अगर इसके जस्ट बाद याद रखेगा आ रहा है तुम्हारा कोई नाउन तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, और अगर इसके जस्ट बाद कोई आ रहा है ना सब्जेक्ट तो याद रखना ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा, या रिलेटिव कंजंक्शन भी आप कह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आ रही है, डब्ल्यू एच वर्ड के तीन काम होते हैं, ऐसे काम करता है तीन, अरे ऐसे पहचान लेंगे, इसके देखो बाद वर्ब आ गया ना, वर्ब आ गया तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और देख लो व्हाट बुक
डू यू लाइक, व्हाट बुक डू यू लाइक। तो व्हाट के बाद देखो क्या आ गया, नाउन आ गया। तो व्हाट के बाद नाउन आया तो ये किसका काम कर रहा है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का। और मैंने बताया था व्हाट की जगह आप विच भी लेकर कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक, इसके अलावा हमने कहा, अच्छा ये यहाँ पर बताई दिया, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। यहाँ पर देखो इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन। बोलो छह का छह एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक है कि नहीं, कैसे प्रयोग करना है, कैसे होगा, कौन सी चीज कब क्या बनेगी, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर इतनी बात समझ आ रही है तो मैं चाहता हूँ कि लिख लिया जाए, उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। लोग जल्दी से बढ़ते चले तो आगे बढ़ा जाए। अब लिखना है सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी आपको रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ पॉइंट होगा याद रखना है। वो क्या याद रखना है लिखो, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट नंबर एक डालो, पॉइंट नंबर एक क्या कहता है, पॉइंट नंबर एक ये कहता है अगर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री प्लस इसके बाद कोई नाउन हो, इसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है, रिलेटिव प्रोनाउन की अगर आवश्यकता है, तो याद रखना रिलेटिव प्रोनाउन के लिए सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा, चाहे कुछ भी हो, फिर दैट ही आएगा, चाहे थिंग की बात हो रही हो, चाहे पर्सन की बात हो रही हो, चाहे लिविंग की बात हो रही हो, चाहे नॉन लिविंग की बात हो रही हो, उस केस में दैट ही लगाएंगे। ठीक है, जैसे ये पॉइंट नोट करने वाले हैं तो इसलिए मैंने सब पॉइंट नंबर लिखा है। क्या मैंने कहा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर सीन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर सीन, मतलब ये सबसे अच्छी किताबों में से एक किताब है जिसको मैंने कभी देखा है। ठीक, जिसको मैंने कभी देखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दैट कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। कोई भी कंजंक्शन लगाए, आपका मन करता भी नॉन लिविंग है, क्या करते हैं, विच लगा दे गलत हो जाता है भाई। देखो जब द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो और प्लस कोई नाउन हो, उसके बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ भी हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दिस इज द बेस्ट बॉय, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट बॉय, हाँ दैट कंप्लीटेड, दैट कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम, जिसने अपना काम क्या है समय पर किया, जबकि देखो आना चाहिए था हूँ लेकिन नहीं आया, वाई बिकॉज कंसेप्ट तो ये कहता है, समझ पा रहे हो। तो इतनी बात मैं चाहता हूँ ये लिख लिया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसका इज वर्क कर, इज वर्क ऑन टाइम, ठीक है, दैट कंप्लीट इज वर्क ऑन टाइम, जिसने अपना काम समय पर किया। तो क्या होगा, जब द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है प्लस नाउन है, तो क्या है कि कोई सा भी कुछ भी हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, ठीक है, तब उसके समय क्या करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसके अलावा पॉइंट नंबर टू क्या कहता है, पॉइंट नंबर टू क्या कहता है, पॉइंट नंबर टू ये कहता है यदि द प्लस सेम हो, ये लिखा हो द प्लस सेम वर्ड हो, प्लस उसके बाद कोई नाउन दे रखा है,
अगर रिलेटिव प्रोनाउन की गुंजाइश है, रिलेटिव प्रोनाउन आप लगाना चाहते हैं, तो याद रखना ओनली ऑन, मतलब ओनली सिर्फ क्या करना है, डैट का प्रयोग करना है, सिर्फ और सिर्फ डैट आएगा और कुछ नहीं आएगा। जैसे आई मेट द बॉय, सॉरी आई मेट द सेम बॉय, सेम बॉय that was playing in the ground। ठीक, this is the same dog that was running on the road। ठीक, देखो डॉग भी आ रहा है, व्यक्ति भी आ रहा है, तब भी हम क्या लगा रहे हैं, दैट, उस केस में दैट ही आएगा। ठीक, जब द प्लस सेम प्लस नाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, वो दैट आएगा। ठीक, मैं ज्यादा ध्यान लिख लिया जाए उसके बाद आगे बढ़ते। पॉइंट नंबर थ्री क्या कहता है, पॉइंट नंबर थ्री ये कहता है, अगर तुम्हारा हो ओनली फ्यू लिटिल समथिंग नथिंग, अगर ऐसे शब्द हों ओनली फ्यू लिटिल समथिंग नथिंग, अगर इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन की गुंजाइश है तब क्या करना, दैट लगाना। ठीक, जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा वो क्या आएगा, तुम्हारा दैट आएगा। जैसे दिस इज द ओनली पेन That I bought, ये केवल एक पेन है जो मैंने खरीदा था। नंबर टू, दीज आर द फ्यू पेन्स दैट आर लेफ्ट, बस यही कुछ पेन है जो बचे हैं। There is nothing that can harm me, वहां कुछ नहीं ऐसा जो मुझे हानि पहुंचा सके, that can harm me। तो जब that की गुंजाइश होगी, जरा एक चीज और समझ लीजिएगा, यहां देखो that जो आ रहा है वो किसके रूप में आ रहा है, किसके रूप में आ रहा है, एक तरीके से सब्जेक्टिव किसके रूप में आ रहा है, यहां पर देखो that किसके रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव किसके रूप में आ रहा है, क्योंकि इसके जज्बात आएगा तो वही सब्जेक्ट होते, इससे पहले वो ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, बताया था हु हुम हुज, उससे याद रखो टेक्निक से, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इतनी बात क्लियर है, इस तरीके से मतलब प्रयोग करते हैं। ठीक, मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, देखो इसे ओनली फ्यू एनीथिंग वगैरह होगा, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक वर्ड और हो सकता है एनी। ठीक, तो ये इस तरीके से तुमको जो है वर्ड देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो आज का क्लास जो है हम यहीं ब्रेक करेंगे। ठीक, और आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपका फिनिश। ठीक, ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग, कीप लर्निंग।